Hello students, very good morning. Welcome to the next class of chapter kinematics class plus one. इस क्लास में हम एक नया मोशन स्टडी करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अभी लास्ट क्लास में हम स्टडी करके आए थे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का डिफरेंस, है ना. तो कब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब बेसिक क्वांटिटीज हम जो यहाँ पे पढ़ चुके. वो काइनेमेटिक्स जो है आपका वो बेसिक चैप्टर ही है, यहाँ से ही सारी फिजिक्स शुरू होती है, ठीक है. अभी हम जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है. और लास्ट क्लास में हमने ग्राफ भी ड्रा किए थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड योर फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो. एंड हमने ड्रा किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा किया था फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. अभी हम बात कर रहे हैं नए तरीके का मोशन, नया मोशन जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. और इसी मोशन को ही हम रूटीन में हम करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है. तो अभी उससे उस तक पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सेलरेशन, ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी के बाद ये आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ठीक है. तो ये नई फिजिकल क्वांटिटी एक नया मोशन क्रिएट कर देगी आपका, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. तो इस क्लास में हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है. एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, अगर हम बात करें एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि रूटीन में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन है लाइक बसेस कार व्हीकल जो हम खुद ड्राइव भी करते हैं वही व्हीकल्स लगा लो, ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी स्पीड वेलोसिटी कभी भी आपको पता है कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है. हम डील करते हैं इन रूटीन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है. हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से डील करते हैं. क्यों डील करते हैं, क्योंकि हम हमारी ऑब्जेक्ट की जो हम ड्राइव कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है खुद की हमारी कभी भी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, वो या तो कभी बढ़ जाती है या कभी कम हो जाती है. जैसे रोड खाली है ट्रैफिक नहीं है तो हम क्या करते हैं व्हीकल की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है. उस अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो हम व्हीकल की स्पीड थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं चेंज इन स्पीड, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इनफैक्ट, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है. जो आपका स्पीड का जो वेरिएशंस है वेलोसिटी का जो वेरिएशंस है दैट मींस योर न्यू क्वांटिटी दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है. जो हमारे बाइक्स का कार का जो रेसर होता है उसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो रेस इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो क्या चेंज इन वेलोसिटी ही हमारी क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है. जितनी जोर से हम एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं उतनी, ठीक है, ज्यादा वो आपका व्हीकल स्पीड गेन कर लेता है वेलोसिटी गेन कर लेता है, उतना ही ज्यादा चेंज आता है उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है. सो एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है. पहले हमें बात करनी है एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है. और वो मोशन कौन सा है जिसमें आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, और वो कब होगी जब वेलोसिटी आपकी सेम नहीं रहेगी थ्रू आउट दी मोशन, क्लियर. तो उसको हम डील करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, जहां पे जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या रहती है वेरिएबल रहती है, ठीक है. वेलोसिटी इज वी मीन वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज होती रहती है समय के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो सिंपल एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल लिखो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन, सिंपल, ठीक है. और वेलोसिटी क्या आती है हमारी, व्हाट इज वेलोसिटी, उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं यहां पे दोबारा से. वेलोसिटी क्या है आपकी, आपको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हमारी वेलोसिटी, है ना. और वेलोसिटी भी आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी. अगर यहां वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है. सो एक्सेलरेशन इज न्यू फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड डिनोटेड एज स्मॉल ए, ठीक है. स्मॉल ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है.
अब थोड़ा सा इसको ना टाइम टेकन देख लो, ठीक है, जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हो, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी क्या होती है, हम निकल के आए थे पहले, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है। तो भाई हम थोड़ा आगे बढ़ गए हो, ठीक है, ये यहां से हम पढ़ते थे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लास्ट क्लास में किया था, जहां वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, है ना। अब एक्सेलरेशन थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे, से एट पॉइंट ओ व्हेन योर टाइम इज से जीरो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका टी जीरो पे है और ओ आपका ओरिजिन पॉइंट है, यहां से मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां पे तो कोई वेलोसिटी नहीं है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। से सिंपली एट पॉइंट ओ इज ए पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन, सो हियर वेलोसिटी इज से योर इनिशियल वेलोसिटी से इज योर जीरो, क्लियर। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी से पॉइंट ए पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। मान लीजिए यहां पे t इज इक्वल टू टाइम कितना हो गया, t1 से आफ्टर 5 सेकंड, से आफ्टर 10 सेकंड, से 1 आवर के बाद, कितना भी टाइम ले लो, एग्जांपल भी करेंगे, रुकिए, ठीक है, कितना भी टाइम ले लो। सो यहां पे मान लीजिए वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, से वेलोसिटी इज योर v1 वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद a से कहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट आपका, पॉइंट b पे पहुंच गया, यहां पे वेलोसिटी मान लो v2 हो गई, ठीक है। टाइम कितना हो गया, थोड़ा सा और टाइम बढ़ गया, जैसे जैसे बॉडी आगे जाती जा रही है, ऑब्जेक्ट आपका आगे बढ़ता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज डिफरेंट, ठीक है। अगर यहां से ए बी मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए रैंडम पॉइंट, ठीक है, कितने भी पॉइंट ले लो आप, सब पॉइंट्स पे अगर वेलोसिटी आपकी सेम रहती है, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं होगी, तो ये इस क्लास का मतलब नहीं है, जब मोशन आपका यूनिफॉर्म है, जब वेलोसिटी आपकी सेम रहती है, ठीक है। ये क्लास है जब वेलोसिटी आपकी चेंज होती है समय के साथ, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, सो मैंने कोई थ्री पॉइंट्स, फोर पॉइंट, कितने भी पॉइंट ले लो, एट एवरी टाइम टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, पहले जीरो थी, फिर वी वन होगी, फिर वी टू होगी, सो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड हियर, क्या कहते हैं उसको, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्लियर हुआ बेटा आपको, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेल, ठीक है, इसको भी यूज कर दूंगी, इसका हमारा काम नहीं है इस क्लास में, है ना, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या हुई हमारी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम बात करें ओ और ए पॉइंट के बीच, ठीक है बेटर, ओ एंड ए पॉइंट के बीच, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज यू मींस हियर, यू मींस योर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड आई हैव टेकन इट एज जीरो, अपनी मर्जी है, आप जीरो लो ना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमने जीरो ले रखा है, ठीक है, ठीक है। सो वी वन इज योर फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, अप टू पॉइंट ए तक, ठीक है, एंड वी टू इज योर अगेन फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी तक की आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और यहां पे टाइम कितना लग रहा है, टी वन लग रहा है, यहां पे टाइम कितना लग रहा है, टी टू लग रहा है, यहां पे टाइम कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ऑफ दी मोशन, क्लियर। तो अगर हम ओ और ए के बीच की बात करें, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन, टी वन माइनस कितना है यहां पे, टी लिख लो, ठीक है। अगर हम इसको वैल्यूज पुट कर दें, जीरो ओवर टी वन माइनस जीरो, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन आपका, वी वन ओवर टी वन बिटवीन फ्रॉम ओ टू ए तक, क्लियर। और अगर हम ए टू बी की बात करें, फ्रॉम ए टू बी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ए टू बी, अब ए और बी के बीच की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, वी टू माइनस वी वन ओवर टी टू माइनस वन, ठीक है। सो ये रही हमारी एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, टोटल टाइम टेकर, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकर फ्रॉम ए ओ टू बी, ठीक है। और आप ओ से बी भी निकाल सकते हो, और फ्रॉम बात करें अगर ओ से ओ टू बी, तो क्या होगा, यहां पे वी फाइनल वेलोसिटी, वी टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जीरो ओवर टाइम कितना होगा, टी टू माइनस टाइम कितना है, जीरो, सो दिस इज अगेन योर एक्सेलरेशन,
क्लियर बेटा? ठीक है, समझ आ गया होगा उम्मीद है मुझे। तो मान लीजिए यहाँ पे अब बात करते हैं छोटी सी एग्जांपल की, ठीक है। तो मान लीजिए यहां तक हमें वेलोसिटी है, मान लीजिए यहां पे 50 किलोमीटर पर आवर यहां पे इस ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, जो हमने पहले ही V1 ले रखी है। उसको समय लगा ओ से ए तक आने में, इसको समय लगा से 30 मिनट लगे, 7 आवर ले लो आप, ठीक है। 2 आवर ले लो, 2 आवर लगे, ठीक है। 2 आवर लगे फ्रॉम ए टू बी यहां तक आने में, ठीक है, और टू ए तक आने में, ओके। तो यहां पे बात करें अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की, कितनी एक्सेलरेशन होगी, चेंज इन वेलोसिटी 50 ओवर टाइम टेकन 25 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये क्या होगी हमारी एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए तक। और यहां मान लो हमारी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, यहां पे मान लो हमारी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। और यहां से यहां आने में हमें टाइम लगा था 2 आवर्स, और यहां से यहां आने में मुझे समय लगा, ओरिजिन से ही मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो यहां से यहां आने मुझे समय लगा से 3 आवर। तो यहां पे बी पॉइंट पे ये तो हो गया हमारा एट ए, अगर हम एट बी की निकालना चाहें, बी पॉइंट पे वेलोसिटी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट इज योर 60 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 3 आवर्स लगे। यूनिट सेम रखनी है, किलोमीटर पर आवर, तो समय भी हमने आवर में ले लिया, ठीक है। तो कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, इस मोशन की बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 20, एक्सेलरेशन सॉरी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यहां पे ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर स्केल। ये सिंपल आपकी एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या, और यहां 50 है, यहां 60 है, यहां 0 है, ठीक है, कुछ यहां इन बिटवीन कुछ भी होगी, ठीक है। तो कोई भी जितने पॉइंट लोगे हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपकी, ये रियल मोशन है जो हम लाइफ में करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो आपकी एक्सेलरेशन वहां पर आएगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम डिफरेंस। तो ये सिंपल सा हमारा बेसिक सा फंडा है, ठीक है, एक्सेलरेशन को समझने का, ओके। तो अभी ओके क्लियर हो गया, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, इन बिटवीन दी टू पॉइंट्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या है हमारी एक्सेलरेशन की, वेरी गुड, एसआई यूनिट अभी हमने लिखी थी एग्जाम्पल में किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और अगर टाइम आवर में है तो किलोमीटर लेना है, अगर टाइम आप सेकंड में ले रहे हो तो मीटर पर सेकंड स्केल लेना है, ठीक है। पर सेकंड स्केल कहां से आ रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है आपका। यहां से मैं आपको भाई हर चीज समझाना चाहता हूं कि कोई चीज ना रुके ना आपको ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में तो आवर में लोगे। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी, यहां से देखिए वेलोसिटी ओवर टाइम है, वेलोसिटी का कितना है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, या किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय आवर। तो यहां से कितना आ गया एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से कितना आ गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो यही हमने लिखा। सो दिस इज एसआई यूनिट है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशंस क्या है हमारे एक्सेलरेशन के, वेरी गुड। डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ, टाइम का क्या होता है, टाइम का क्या होता है टी। भाई अभी तो हम डायमेंशन और यूनिट्स करके आ चुके हैं, अब तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे चलते जाएंगे हम, डायमेंशन को छोड़ते जाएंगे तो खुद निकालना है आपको क्वांटिटीज का, ठीक है। अभी बेसिक क्वांटिटीज है, सीखिए आप, ठीक है, इनके बेस पे आगे बढ़ेंगी, फोर्स बनेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है हमें, तो इनको यूज करके एफ फिजिकल को एमए पढ़ेंगे, ठीक है, और मोमेंटम पढ़ेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, फिर किनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर,
पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एमजीएच। हमें सिर्फ करना क्या है भाई, एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्वांटिटीज आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, वर्क पढ़ेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, मतलब बहुत सी क्वांटिटीज आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। ये बेसिक्स हैं, इनको समझिए, इनके बिना एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बिना देखिए डिस्प्लेसमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा, कोई क्वांटिटीज तक आगे कोई नहीं क्लियर हो पाएगा आपसे, ठीक है भाई। उम्मीद है यहां से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। तो इसको यहां से आप इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर है, तो जैसे वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, वैसे ही आपकी एक्सेलरेशन भी आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, से फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टी माइनस जीरो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो समझाना चाह रहा हूं, उसके अब ग्राफ भी करेंगे, ग्राफ भी ड्रा करेंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए यहां से यहां तक, है ना, अब टू पॉइंट्स ले लिए, है ना। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओ से टाइम कितना जीरो, से वेलोसिटी इनिशियल कितनी है यू, ये आपका पॉइंट ए, यहां वेलोसिटी कितनी है, से वी टाइम कितना लगा पहुंचने में टी, मीन यहां से यहां आने में टी टाइम लगा, टी वन आवर टू आवर थ्री आवर कितना भी ले लो, स्पीड वेरिएशन कितनी भी ले लो, ठीक है। तो ये दोनों स्पीड का डिफरेंस, इसको जीरो भी ले सकते हो, तो आपका बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल जीरो भी ले सकते हो, कोई और ले लो आप, कुछ भी ले लो, यहां से हमने डिफरेंस निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर, समझ आ गया बेटा। तो ये रहा हमारा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, ठीक है। एक बात हो रहा है यहां से ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं, देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर हमें डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, इनिशियल हमें गिवन हो, एक्सेलरेशन हमें पता हो, इस मोशन की एक्सेलरेशन कितनी है, ठीक है, टाइम हमें पता हो कहां कितना लग रहा है, तो हम डायरेक्टली वी निकाल सकते हैं। इसको हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकली, ठीक है। तो पहले ग्राफ सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ के बिना क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप नहीं होगी, ठीक है आपकी। तो अभी बेसिक क्लास है, बेसिक क्वांटिटीज है, तो ग्राफ भी बड़े सिंपल है, ठीक है, समझना बड़ा आसान है, ओके। तो अभी इसको छोड़िए, तो ये दिस इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। और आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया कि ए एक्सेलरेशन कैन, इफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली टाइम तो कभी नेगेटिव में नहीं होता, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, कैसे हो सकती है वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकती है, मान लीजिए यहां पे हमने मोशन स्टार्ट किया, यहां पे आपकी वेलोसिटी है से 10 किलोमीटर से 10 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए इतनी आपकी वेलोसिटी है, यहां पे एकदम से हमने भाई स्टार्टिंग में जब मोशन स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी कम होगी, जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अगर ट्रैफिक नहीं है तो और बढ़ जाएगी वेलोसिटी आपकी, ठीक है। तो जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मान लीजिए एक पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी हो गई आके 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में लगा समय आपको 10 सेकेंड से, मान लीजिए, ठीक है। सो भाई इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, फाइनल मीन्स नॉट एट द एंड ऑफ द मोशन, फाइनल मीन्स यहां से शुरू किया इमीडिएटली टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएटली टू द, उससे आप अगर वहां पे बात कर रहे हो, यहां से अगर यहां से आगे बात कर रहे हो तो नेक्स्ट इमीडिएटली टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएटली टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा टू पॉइंट्स के बीच का होगा, ठीक है, चाहे तो इमीडिएटली यहां से शुरू किया, इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, है ना। अगर उस पॉइंट से बात कर रहे हो तो उसके अगले पॉइंट की बिल्कुल नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी है, सो दिस इज फाइनल फॉर दिस पॉइंट वेलोसिटी, सो मींस पॉइंट चेंज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, तो एवरी पॉइंट वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। अगर वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है टू पॉइंट्स के बीच का, जिसकी हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं,
जैसे हम यहां से यहां तक की एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, अगर यहां से यहां तक आने में वेलोसिटी बढ़ रही है, देखिए बढ़ रही है, हमने एग्जांपल ले लिया, इफ दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, देन योर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगी। कैलकुलेट करके देख लो, 40 - 10 / 10 यही तो है ना हमारा, 30/10 कितना हो गया, 3 m/s², ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई, देखिए ये पॉजिटिव आ रही है, क्लियर। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और कब होगी, इफ योर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन योर इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और अभी नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ, अभी इसका हमें ड्रा करना है, चलो ग्राफ पहले ड्रा कर ही लेते हैं, ठीक है। ग्राफ किसका ड्रा करना है हमें, साथ समझ से जाओगे, ठीक है। हम ड्राफ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। वो मोशन किसके साथ ड्रा होगा, विद दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, हमारे सिलेबस में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब इसके आगे यूनिफॉर्म लगाना बाकी है, हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वेलोसिटी आपकी फिक्स चेंज हो रही है, फिक्स चेंज इन दी वेलोसिटी, मान लीजिए यहां से यहां चेंज हुआ 30 चेंज हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे बी तक आने में ये कितनी होगी वेलोसिटी, आप इसे मान लीजिए 70 होगी, तो डिफरेंस कितना रहा, फिर भी 30 रहा। इफ अभी बताया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज विद एक्सेलरेशन, इफ दिस चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज होना जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगी अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पहली बात तो ये, तो चेंज इन वेलोसिटी जरूरी है, ठीक है। और वो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रही है, एकदम से 10 to 40, 40 से 50 रैंडमली हो रही है, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, ये तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, परफेक्टली नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो हम रूटीन मोशन है हमारा, ठीक है, किसी भी बॉडी का। अगर ये चेंज, इफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट पर यूनिट टाइम तो है ही है, ठीक है। इफ दिस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ये अगर चेंज इन वेलोसिटी आपका कॉन्स्टेंट रहता है तो आपको पता है तो आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेरी गुड, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपकी कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। निकाल के देख लो, ये 10 है, ये 40 है, अभी कितना है एक्सेलरेशन, 3। अगर फिर से नेक्स्ट 10 सेकंड में बी पॉइंट पे बॉडी पहुंच चुकी, स्पीड होगी उसकी 70 मीटर पर सेकंड, और इसको या ए से बी आने में भी 10 सेकंड ही लगे, तो ए तो होगी हमारी ओ टू ए की एक्सेलरेशन, और ए टू बी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, डिफरेंस कितना होगा, 70 - 40 / 10, तो कितना हो गया, 30/10, तो अगेन कितनी हुई, 3 m/s के। देखिए एक्सेलरेशन क्या आ रही है, सेम, इफ योर एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन इज सेम, देन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। उसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी हर दो पॉइंट्स के बीच हमेशा क्या है, आपकी सेम है। इमीडिएटली टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए इसके बीच की एक्सेलरेशन, यहां से यहां की एक्सेलरेशन, आगे जाओगे उसकी बीच की एक्सेलरेशन, हमेशा अगर एक्सेलरेशन आपकी सेम है, चेंज इन वेलोसिटी आपकी चेंज जरूर हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, पर वो कांस्टेंट चेंज हो रही है, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, देन योर मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, दिस इज योर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। देखिए एक्सेलरेटेड मींस आपकी एक्सेलरेशन है मोशन में, अगर सिंपल बात करें यूनिफॉर्म मोशन तो क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी तो है ही नहीं ना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड बीच में आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है
बट यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन आपकी कॉन्स्टेंट है, मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है बट वो इक्वली चेंज हो रही है पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर हुआ? तो हम उसके ग्राफ बना रहे हैं भाई यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स क्या है आपका, वेन योर ग्राफ इज पॉजिटिव मीन्स एक्सेलरेशन आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, तो मान लीजिए ये समय कितना है टी जीरो, अभी हमने लिया टी जीरो पे, ये टी जीरो पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है हमारी, ठीक है, ये पॉइंट भी रेस्ट पे नहीं है मोशन में है, वो पॉइंट भी कितना वेलोसिटी है हमारा 10 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए यहां पे कोई ना कोई वेलोसिटी है हमारी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, और समय जीरो पे हमारा ये मीन्स यहां पे जो हमारा ओ पॉइंट है ना वो ये वाला ओ पॉइंट है आपका, ठीक है, अब ठीक है ये वाला हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है, तो ओ पॉइंट हमारा यहां पहुंच गया, यहां पे कोई ना कोई इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, कितनी है वो यू ले रखी है हमने, ठीक है, ये वाला ओ पॉइंट अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, टाइम जीरो पे, 10 सेकंड के बाद मीन्स यहां पे लगा लो कि ये से 10 सेकंड के बाद कहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट आपका, 40 की स्पीड पे पहुंच गया, ठीक है, तो यहां पे जीरो है तो 40 की स्पीड मान लीजिए से यहां पे स्पीड कितनी ले रखी हमने 10 मीटर ले रखी है, ये थोड़ा नीचे बना लो ग्राफ छोटा बनाना है हमें, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे आपकी 10 स्पीड है, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है, ठीक है, तो यू ये रहा हमारा यू, ठीक है, दिस इज यू 10, ओके, तो टी जीरो पे हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक, उसके बाद टी 10 सेकंड पे ये रहा 10 सेकंड, 10 सेकंड पे कहां पहुंच गया आपका 40 पे, तो ये रहा हमारा ठीक है, तो ये रहा हमारा 40 मीटर पर, मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा नेक्स्ट बनाओगे 70 तो बिल्कुल ही आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा, इफ योर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं है, सो दिस इज योर मोशन, किसका ग्राफ है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है, अगर हम आगे यूनिफॉर्म ना लगाएं तो सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आई, कभी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, तो रैंडम सा मोशन बनेगा, ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना ज्यादा डिटेल में, अभी क्या पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है, इसके आगे बहुत से टॉपिक्स हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वेल नोन एग्जांपल है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वो पढ़ेंगे हम आगे जाएंगे जब, ठीक है, तो ये बेसिक्स है भाई, ये जनरल टॉपिक्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाएंगे आगे जा करके, हम इसको अप्लाई करेंगे मतलब एप्लीकेशंस में, ठीक है, कहां कहां अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो समझ गए आप, दिस इज दी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मीन्स यहां पे एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, हमें यही पढ़ना है, ठीक है, सो दिस पॉजिटिव मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन योर इनिशियल वेलोसिटी, तो ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव के लिए, इफ योर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अच्छा इफ यानी दो इफ यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, तो नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं एक और, ठीक है, एक और ग्राफ बनाते हैं, यहां पे हमें लेना है इफ u इज इक्वल टू जीरो, तो मान लीजिए u आपका कितना है जीरो, तो जीरो मान लो, ठीक है, ये 40 पहुंच गया, नेक्स्ट आपका 80 पे पहुंच जाएगा, यूनिफॉर्म लेना है ना हमें, तो चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तो इसको 80 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 10 तो खत्म हो गया, जीरो से शुरू हो रहा है अब आपका मोशन, ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है, इसका भी मतलब चलो मैं इसका भी थोड़ा सा बना देते हैं स्ट्रक्चर, ये ओरिजिन पॉइंट रहा, अब यहां पे यू कितना है हमारा जीरो है, टाइम भी कितना है जीरो है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पहुंच गए ए पॉइंट पे, यहां पे टाइम लगा 10 सेकंड से, और यहां पे वेलोसिटी हो गई आपकी से 40 ले लो, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, नेक्स्ट पॉइंट बी पे पहुंच गए, टाइम फिर से कितना लगा, टोटल टाइम तो हो गया, यहां से देखोगे टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकंड, यहां से तो इसका 10 सेकंड है, और यहां से कितना हो गया ये भी 10 सेकंड की टाइम है, ठीक है,
ओके क्रियाव स्पीड कितनी होगी 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें चेंज क्या रखना है 0 से 40 का चेंज हो रहा है, 40 से 80 40 का चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है 10, यहां पे भी टाइम चेंज हो रहा है 10, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, यहां पे अगर वेलोसिटी कुछ और होगी जो रूटीन में हम करते हैं मोशन, तो 70, 60, 80 ना हो कुछ भी अगर हो तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप बनाए, इफ मैं बनाना चाह रहा था डिफरेंस आपको कि अगर यू जीरो नहीं है, अगर यू जीरो है तो, अगर यू जीरो है तो टाइम जीरो, वेलोसिटी भी आपकी जीरो। ठीक है, दिस इज टाइम, ओके यू जीरो तो टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहीं पे जीरो पॉइंट है, पहला पॉइंट यहीं पे आ गया। ठीक है, ये वाला अब वो पॉइंट, ये आपका वो पॉइंट है। ओके, ए पॉइंट कहां पे आ गया 40 पे, तो 10 सेकंड ले लो, ये 10 ले लो, ये 20 ले लो, ये 30 ले लो, ये 40 ले लो, तो मींस कहां पे आ जाएगा आपका से एट दिस पॉइंट, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो मींस इसको थोड़ा सा 10 सेकंड है ना, थोड़ा सा या तो इसको भी थोड़ा दूर ले लेना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ग्राफ आपका, तो वो कौन सा ग्राफ है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ सेम है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जीरो है तभी तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तभी तो ये ग्राफ ओरिजिन पे नहीं, थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई ना कोई स्पीड है, वेलोसिटी है, तो ये वही है एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, अगेन एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, दोनों में एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ है। क्लियर हुआ आपको बेटा, उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आपका, नेक्स्ट कौन सा है, इफ सेकंड पॉइंट बना लो, इफ एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए आपकी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, सो दिस नेगेटिव मींस इफ योर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन योर इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल भाई ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, पुट करके देखो, अगर ये वाली ज्यादा है इससे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इस केस में, अगर इस केस में बात करें, हमने क्या बोला कि आपका u इज ग्रेटर देन, इस केस का, इस केस का u इज ग्रेटर देन, यहां से u वाला बड़ा हो गया, मीन आपकी वेलोसिटी कम हो रही है समय के साथ, यहां पे इसके भी डेफिनेशन लिखनी हो, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, देन क्या हो रही है आपकी, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखिए इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम हो रही है, फाइनल कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दिस इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं दोनों, अब यहां पे इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मींस इनिशियल आपकी ज्यादा वेलोसिटी है, तो मींस इनिशियली हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं, मीन हमने ब्रेक अप्लाई कर दी है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है वो भी वेलोसिटी कम कर देगी, रेस का मतलब रेस पे पैर रखोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन बढ़ाना इंक्रीज करना, ब्रेक पे पैर रखोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, दैट इज रिटार्डेशन मोशन, उसको क्या बोलते हैं रिटार्डेशन मोशन, याद रखो किसी भी व्हीकल की दो ही चीजें होती है, रेस और ब्रेक। ठीक है, रेस मीन्स योर एक्सेलरेटेड मोशन, ब्रेक मीन्स योर रिटार्डेशन मोशन, रिटार्डेशन मीन्स मोशन को डिक्रीज करना, कम करना। ठीक है, वेलोसिटी को कम करना, ठीक है, वेलोसिटी को कम करना, मोशन को कम कर देना, दैट इज योर रिटार्डेशन मोशन। ठीक है, वेलोसिटी को बढ़ा देना, रेस को बढ़ा देना, दैट इज योर एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये ग्राफ था हमारा एक्सेलरेटेड मोशन का, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अगेन साइंटिफिकली वी कैन से इट एज योर रिटार्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, रिटार्डेशन मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं रिटार्डेशन, मींस एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मींस अप,
इंक्रीज होना, रिटार्डेशन मींस डिक्रीज होना समय के साथ वेलोसिटी का, दैट इज रिटार्डेशन। ओके, तो अब ग्राफ बना, इट मींस आपकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इट मींस यहां कहीं से शुरू हो रही है इनिशियल वेलोसिटी से, मान लीजिए आपकी यू इनिशियल वेलोसिटी है, समय जीरो है, यहां पे इफ अगेन वही बात, इफ u is not equal to 0, कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इनिशियल, ठीक है, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी देखिए क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है, दैट इज योर एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपका ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। देखिए टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी, हम इनिशियली मतलब मोशन में ऑलरेडी, ठीक है, बहुत हाई स्पीड पे है, तो ब्रेक अप्लाई कर दिए तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे आ रही है, टाइम ऑफ टाइम तो बढ़ेगा, टाइम तो कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम बढ़ेगा, 10 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी रुक गई, ठीक है, कह सकते हैं रुक गई, रुकने का मतलब ये आपका मान लीजिए टाइम समय कितना है 10 सेकंड, मैंने अभी बोला वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, जीरो होगी, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनिशियली आप 50 की स्पीड पे जा रहे हो, तो ब्रेक अप्लाई कर दिए सिर्फ 10 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी रुक गई, तो 10 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, दिस इज योर रिटार्डेशन मोशन एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं थर्ड, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो थर्ड पॉइंट की, ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है हमें, एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, जीरो, ये कब जीरो होगी, वेरी गुड, बता सकते हो, सिंपल है, इफ वी इज इक्वल टू जीरो, फॉर्मूला देख लो यार, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू पुट करोगे तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, फॉर्मूले पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, वी माइनस यू ओवर टी, तो फॉर्मूले पुट करके देख लो, ऑब्वियसली दोनों सेम होगी तो जीरो, सो दिस इज सेम मींस यू सिंपल यूनिफॉर्म मोशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन की बात ही नहीं की थी, ठीक है, सो दिस मींस यूनिफॉर्म मोशन व्हेन वेलोसिटीज आर इक्वल दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, सिंपल, आपका थ्रू आउट द मोशन आपकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, सेम है, अगर 40 पे जा रहे हो तो 40 पे ही जा रहे हो, 40 पे चलते जा रहे हो, ठीक है, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है इन द रियल लाइफ, ठीक है, हम रियल लाइफ में डील करते हैं विद द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, हमारे पास होती है, चेंज होती है, या तो रेस बढ़ती है तो एक्सेलरेशन अप होती है, या रेस ब्रेक लगाते हैं, रेस कम करते हैं, तो दैट इज योर रिटार्डेशन मोशन, क्लियर, तो ये सिंपल हमारा बीम का मोशन है जो हम करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी ना एक्सेलरेशन का कोई चेंज होना, आपको पता है वेलोसिटी का चेंज होना फिक्स नहीं होता, कभी बढ़ते कभी डिक्रीज होती है, तो इसके लिए थोड़ा रैंडमली बनता है, बट ये हमने बनाया ही उसलिए किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भी आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, और क्या आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कोई भी बना दो और सेम, ठीक है, और अभी हम इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं कि हमें इस ग्राफ से क्या मिलता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन सॉल्व किया था, उससे हमें क्या मिलती थी, स्लोप से, ठीक है, वेलोसिटी मिलती थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी ऑब्टेन करते थे, ठीक है, अभी हमें यहां पढ़ना है यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन चल रहा है अभी, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, पहले समझा दिया आपको इसका मतलब क्या है, कि एक्सेलरेशन है बट वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है बट वो कांस्टेंट है, अगर हम सिंपल यूनिफॉर्म मोशन लिखें तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंजिंग वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, सिंपल बात है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मैं अभी आपको ग्राफ बना रहा हूं यहां पे, किसके बीच का, वेरी गुड, टाइम और आपका स्पीड के बीच का, वेलोसिटी के बीच का,
ठीक है। और हम यहाँ पे अभी अभी करके आए थे, बनाई थी हमने इक्वेशन P is equal to zero, यहाँ पे से u ले लो, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी एक्सिस है भाई आपकी, ठीक है, वेलोसिटी एक्सिस है, तो वेलोसिटी कितनी अगर आपकी u है 10 किलोमीटर पर आवर जो हमने लिखा था अभी, तो समय जीरो पे, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट पे आके जाओगे तो सेम वेलोसिटी आपकी कितनी होगी, ये पॉइंट पे आकर के हमने लिया था 40, ठीक है, और इसको लिख लो t इज इक्वल टू, ये कौन सा पॉइंट है, t इज इक्वल टू t1 टाइम एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहां पे ले लो से आपका पॉइंट कौन सा है, यहां पे से बी पॉइंट से आपका, यही हमने मोशन डिस्कस किया था पहले समझाने के लिए आपको, ठीक है, ओके, ये पॉइंट ले लो बी, और यहां पे वेलोसिटी ले लो आप कितनी है, से वी वन लिया था हमने, और यहां पे वेलोसिटी ले लो वी टू, जब हमने 10 लिया था, 40 लिया था, फिर हमने यहाँ पे 70 लिया था, वही मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे से 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे से 70 मीटर पर सेकंड, देखिए चेंज हमेशा क्या है, एक पॉइंट, ओके, ओ पॉइंट से ओरिजिन से ए तक का चेंज 30, टाइम चेंज यहाँ पे ले लो t1 इज इक्वल टू 10 सेकंड, यहाँ पे t2 इज इक्वल टू 20 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, देखिए बिल्कुल वही वही बात है, 0 ए बी 0 10 20 10 40 70, डिफरेंस 30 का, डिफरेंस 10 का, ओ ए के बीच का, वेलोसिटी 30 ओवर 10 तो कितनी लगेगी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे डिफरेंस 30, यहाँ पे डिफरेंस अगेन 10, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहां से क्लियर हो रहा है भाई हमें कि 33 हमारी क्या आ रही है, एक्सेलरेशन आ रही है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेटर मोशन का ग्राफ, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है, ये हम नेगेटिव के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके, पॉजिटिव के लिए बना करके हम यहां पे इसकी क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, क्लियर, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, मान लीजिए आपका एंगल कितना है, से दिस एंगल इज थीटा, ये भी एंगल आपका थीटा होगा, कहीं से भी बना लो, ये निकाल लो, ओ ए के बीच का निकाल लो, ओ बी का निकाल लो, ए बी का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपका टेन थीटा निकालते हैं, व्हाट इज टेन थीटा, स्लोप आपको पता है भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, नहीं हो तो ये बेसिक बात है, आपको आनी चाहिए, टेंथ से पढ़ते आ रहे हो, स्लोप का मतलब दिस स्लॉट हाइट का, स्लॉट का मतलब टेन थीटा हमें निकालना है, इस ट्रायंगल से टेन थीटा निकालो क्या होता है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर इस टेन थीटा, इसको ले लो आप पॉइंट सी ले लो, ठीक है, स्लोप को ए बी निकालना है तो ए बी की बात करनी है, ठीक है, ओनली ए एंड बी, तो स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस कितना हुआ, बेस परपेंडिकुलर बीसी, बेस एसी, तो बीसी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी, बीसी की अगर वैल्यू देखें तो दिस बीसी मींस वर्टिकल, वर्टिकल मींस वाई एक्सिस, तो वाई मींस वेलोसिटी एक्सिस, तो बीसी की वैल्यू ये रहेगी हमारी, ठीक है, तो बीसी मींस 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 मींस v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ओके, एग्जाम्पल 70 माइनस 40, तो यहां पे बेस कितना है, एसी, एसी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स t2 माइनस t1 या 20 माइनस 10, ठीक है, यहां पे t2 माइनस t1, यहां पे एग्जाम्पल के साथ साथ देख लो 70 माइनस 40 ओवर 20 माइनस 10, यहां पे कितना आ गया 30 ओवर 10, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आपकी क्या आ गई, सेकेंड स्क्वेयर क्या आ गई आपकी, एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये हमारा जनरल सा एक फॉर्मूला बन गया स्लोप का, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, एंड व्हाट इज दिस चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम क्या होता है, वेरी गुड, दिस इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, ये तो हमारी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, तो
तो tan थीटा हमारा क्या दे रहा है हमें इस ट्रायंगल से, इस ग्राफ से tan थीटा क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, या कहीं से भी निकाल लो भाई हमारी एक्सेलरेशन हमारी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मोशन की, क्योंकि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन है बट वो कांस्टेंट है, चाहे तो यहां से यहां निकालो, देखिए कितना हो गया डिफरेंस 60, टाइम कितना हो गया 20, 60 बाय 20 30, यहां से ये निकाला हमने अगेन 3 मीटर 60 बाय 23, यहां से ए बी का निकाला अगेन कितना आया 3, ओ ए का निकाल लो डिफरेंस 30 डिवाइड बाय 10 अगेन 3 मीटर पर सेकंड, तो कहीं से भी निकालो एक्सेलरेशन हमारी सेम आएगी। सुमील मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दिस स्लोप ऑफ ए बी फर्दर इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, या स्लोप ऑफ ए बी हो ए ओ बी कुछ भी लिख लो, तो वही पॉइंट्स हो जाएंगे एक्सेस, यहां पे ले लो कहीं भी पॉइंट ले लो, तो वो एक्स एक्स के पॉइंट वो आ जाएंगे, वाई के पॉइंट वो आ जाएंगे, ठीक है, ओके। सो दिस मीन्स योर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटर मोशन गिव्स द एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हमें इसकी स्लोप क्या देती है, हमें एक्सेलरेशन देती है, क्लियर हो गया आपको, ठीक है, उम्मीद है भी ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलेरेटर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटर मोशन क्या है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम हमारे अब इसका दूसरा पार्ट भी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो मैंने पहले ही बताया रियल मोशन, ठीक है, रियल मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम नहीं रहती, ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम नहीं रहती तो आपको पता है तो वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर, तो हमें इसको करना है, यहां पे क्या है, इफ योर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म है, और यही रियल मोशन है, यही हम रूटीन में यूज करते हैं, ठीक है, पढ़ना हमको डिटेल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, और इफ योर एक्सेलरेशन इज ये सिंपल लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या आपकी वेरिएबल है, जैसे वहां पे वेलोसिटी वेरिएबल थी तो हमने क्या फाइंड किया था, वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो उसके लिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, सेम वही, तो इसके लिए यहां पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं मोशन की, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होती है, तो हम क्या कर देते हैं, हम पूरे थ्रू आउट मोशन की हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, दिस मीन्स योर एवरेज एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मोशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है, ये वही बातें रहेंगी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन मीन्स आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस डेल्टा, दिस सिंबल इज कॉल्ड योर डेल्टा, मीन्स योर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, क्लियर, तो ये आपका स्मॉल चेंज है डेल्टा, ओके, सो दिस इज योर आपकी हमारी आगे, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन। उसके बाद अगर एवरेज एक्सेलरेशन है तो आपको पता है कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है हमारी डिफरेंट है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, आई एन एस टी डाल दो, इंस्टेंटेनियस मीन्स एक्सेलरेशन, वेरी गुड, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मोशन, ठीक है, आपके पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मोशन पे एक्सेलरेशन कितनी है, जैसे हमने आपको बताया कि अभी हम जहां से स्टार्ट करें कोई मोशन, हर पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी चेंज होती जाती है, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म मोशन में रहना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, हर पॉइंट पे मोशन की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है, हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे आपकी डिफरेंट एक्सेलरेशन होगी, इसलिए थ्रू आउट द मोशन अगर आप ओ से ए जा रहे हो तो यहां पे हर पॉइंट पे
हर पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज इस पॉइंट की एक्सेलरेशन, हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे मोशन स्टार्ट किया 5 सेकंड के बाद कितनी एक्सेलरेशन है, 6 के बाद 6 सेकंड के बाद कितनी एक्सेलरेशन है, 8 सेकंड के बाद कितनी एक्सेलरेशन है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मीन यहां पे लिमिट अप्लाई हो जाती है आपकी, दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 मींस वेरी फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, फॉर ए वेरी फाइन इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन इंटरवल मींस इसी पॉइंट पे टाइम कितना चेंज होगा, वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी वी अपॉन डी टी से, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज वेलोसिटी से भी क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन लास्ट क्लास में किया था, मीन वेलोसिटी सेम नहीं है, अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो एक्सेलरेशन तो आएगी, ठीक है, दैट इज मोर एडवांस कह सकते हैं हम उसको, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, न्यू क्वांटिटी आ गई एक्सेलरेशन। तो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इज इक्वल टू डीवी मींस डीटी, मीन दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वी इज इक्वल टू क्या होता है डीएस बाय डीटी, एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहां पे डी ओवर डीटी वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट्स के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन विद डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विद टाइम, ठीक है। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ। क्लास के लिए भी छोटे से टॉपिक पे भी इतना समय लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमें भाई बिल्कुल ही डिटेल में जाना है, बिल्कुल डीप स्टडी करनी है फॉर द बेसिक क्वांटिटीज। अगर इनकी डीप स्टडी कर लोगे ना तो नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर की तरफ तो ये क्वांटिटी वही यूज होंगी, ठीक है। तो जब यूज होंगी तब आपको इतना वहां पे ज्यादा बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको वेरी इजिली क्लियर होते जाएंगे टॉपिक आपको, ठीक है। तो टिल देन आप करिए, अच्छे से करिए। हमने इस क्लास में क्या किया, एक्सेलरेशन पढ़ा, क्या है न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, किस में आती है, एक्सेलरेटेड मोशन में आती है, ठीक है। और उस एक्सेलरेटेड मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, चेंजिंग स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और यहां पे नॉन यूनिफॉर्म में चेंजिंग स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं रहती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, ठीक है। तो हमने ग्राफ भी कर लिया, कैसे हो सकती है हमने वो भी देख लिया फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट यही स्टडी करना है, ठीक है, डिटेल में। आप कुछ नहीं करना भाई, यूनिफॉर्म का मतलब मायने रखिए फिक्स कांस्टेंट मोशन, एक्सेलरेटेड मींस एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। जहां एक्सेलरेशन आ गई मींस वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट अगर वो चेंज कांस्टेंट हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, अगर नहीं हो रहा चेंज कांस्टेंट तो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। बट रियल लाइफ में हम ये मोशन को यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हर पॉइंट पे हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज होती जाती है, ठीक है, ओके। पर हमने डिटेल में स्टडी करना है इस मोशन को। चलिए यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं छोटे से, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बेस पे, ठीक है। हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, दे रखा है हमें, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 5t प्लस 4t क्यूब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, वेयर x इज व्हाट योर हियर x इज योर डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए पार्टिकल, हमें क्या पता करना है, फाइंड द एवरेज, हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इसके बीच का एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और हमें बोल दिया कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन गिवन इन ए क्वेश्चन फॉर द डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेरिएशन, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है।
चेंज होता है, सो ये रहा हमारा इक्वेशन है ना। हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। हमें पता है व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, वी नो कि एवरेज एक्सेलरेशन सिंपल यहां लिखो ए एवरेज जो हमें है दैट इज डी वी अपॉन डी टी। बट नाउ हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी पहले, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी वी दैट इज डी एक्स बाय डी टी। सिंपल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, दिस इज योर सिंपल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। तो इसका हमें क्या करना है, टाइम रेट ऑफ डेरिवेटिव करना है इस एक्स का, 5t + 4t², ठीक है। और डेरिवेटिव कैसे करते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव, तो हमारी बेसिक क्लास है मैथमेटिकल टूल्स में जाकर के, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो इस क्लास में ऊपर सजेशन में भी आपको दे दूंगा आई बटन पे, क्लास को तो अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी सिंपल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहां पे मैं डेरिवेटिव का, फॉर्मूला क्या होता है, टी से इफ टी इज एनी पावर एन तो क्या होगा, एन टी की पावर एन माइनस वन, डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग द पावर, ओरिजिनल पावर आ गया था, सिंपल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव होगी, टू बार टाइम्स है, तो एक बार 5t और कांस्टेंट का डेरिवेटिव में तो वो आगे निकालो बाहर, ठीक है, 5 बाहर आ गया dt by dt, then 4d3 by dt, ओके, डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा v, तो यहाँ पे तो 5 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 डेरिवेटिव कितना आ गया, पावर 3 आ गया जाएगी, और t बेस पावर कितना रह गया, एक काम हो जाएगी 3 2 square, ठीक है। तो हमारा ये वेलोसिटी कितनी आ गई, वेरी गुड, 5 + 12 t² दिस इज योर वेलोसिटी, ओके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम व्हिच टू व्हिच, 0 to 2 seconds के बीच का, क्लियर। तो पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 seconds, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालो कितनी आएगी, 5 + 12 0² तो कितना आ गया वेलोसिटी, 5 आ गई m/s, x आपको दे रखा है मीटर में, टाइम आपका t सेकंड में है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 5 m/s हो गया, और आपकी वेलोसिटी सेकंड पॉइंट कितना है, t इज इक्वल टू 2 seconds पे, 2 seconds पे कितनी आएगी, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 5 2² कितना आ गया ये, वेरी गुड, 4 12 into 4 48 53 m/s, ये आपका आ गया वेलोसिटी, है ना। और हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, ये रही एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज मींस चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 seconds माइनस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 seconds ओवर चेंज इन टाइम 0 to -0, ठीक है। तो हमारी यहां पे क्या आ जाएगी, अब यहां से एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2, तो 0 पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, और 2 पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस कर दिया ओवर चेंज इन टाइम, ये वही नहीं मैंने खेला जब हमने वेलोसिटी में भी किया था, ठीक है, वेलोसिटी निकाली थी हमने जो है, तो वेलोसिटी पुट करो कितना है, 53 - 5, ओके, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 48 / 2 मींस 24, इसका यूनिट m/s, अगेन सेकंड, तो कितना हो गया m/s², ठीक है ना भाई। तो ये हमारा आ गया, अपने आप यूनिट वही बनेगा जो क्वांटिटी है, ठीक है, m/s² हमारी क्या आ गई, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन, क्लियर हो गया भाई, ओके। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो आपकी टी जीरो पे है, दिस इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपकी टी इज इक्वल टू 2 seconds पे है, ठीक है। नाउ वी आर फाइंडिंग, वी हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो है पहले हम डायरेक्टली किसका फॉर्मूला निकालते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं, खत्म हो गया नाम इसका, अभी हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस, तो वो डीवी बाय डीटी है, और वेलोसिटी यहां से ये तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी से, ये हमारा क्या आ गई, हमारी वेलोसिटी आ गई विद टाइम, एंड दिस इज व्हाट योर
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है, ठीक है, और रेशियो ऑफ चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओवर टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड दिस का अगेन फिर से क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो हमारी डायरेक्टली क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन को डेरिवेटिव करोगे तो डी ओवर डी टी, फाइव का डेरिवेटिव प्लस 12 बाहर, डी बाय डी टी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव टू पावर आगे और एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल वन पावर, तो कितना आ गया यहाँ से 12 into 2 24 t, ठीक है, ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई, कौन सी एक्सेलरेशन आ गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, और हमें ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के टाइम को चाहिए होगा, टाइम हमें दे रखा है 3 सेकंड में पता करना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस मींस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हमें गिवन है 3, तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है 24 into 3, दैट इज 72 meter per second square, मींस जो आपका ये मोशन है अगर वो 3 सेकंड पे, आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 72 meter per second square as per the given equation of displacement. तो हमें ये average velocity acceleration चाहिए थी, तो हमने पहले average acceleration निकाल ली, velocity निकाल का, velocity का difference कर दिया change in velocity over change in time. तो instantaneous particular instant पे चाहिए थी, तो हमने पहले velocity निकाल ली particular instant पे, again derivative कर दिया, ठीक है ना, velocity का, ठीक है, displacement का किया तो भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इसका किया तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी का करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो डबल डेरिवेटिव भी हो गया, ठीक है, तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई, तो टाइम पता कर कितना था, पुट कर दिया, सो हमारा एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ठीक है, सो हमें अगेन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, नाउ वी हैव टू फाइंड दी टाइम, फाइंड दी टाइम एट विच एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाए, ठीक है, सो एक्सेलरेशन जीरो हमें दे रखा है, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम, ठीक है, एंड व्हाट इज वेलोसिटी, हम यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी ओवर डी टी, 5t² - 4t³, डेरिवेटिव कर दो, अगेन 5t² डेरिवेटिव माइनस 4t³ डेरिवेटिव, ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 5 as it is 2t आ जाएगा यहाँ पे, 5 4 as it is 3t² आ जाएगा, original power आगे आ जाएगी, एक power कम हो जाएगी, ठीक है, तो 10t - 12t² आपकी velocity आ गई, ठीक है, इसका फिर से derivative करो, यहाँ पे फिर से derivative करो, कितना 10t - 12t² = 0, अगर derivative करोगे तो 10 dt by dt minus 12 डेरिवेटिव करो t square का is equal to 0, ये 10 as it is, ठीक है, 12 इसका कितना आएगा, वेरी गुड, 2t is equal to 0, 2 आगे आ गया, पावर एक कम हो गई, सिंपल पावर, सिंगल पावर आएगी, t minus 12 into 2 24t is equal to 0, बस इक्वेशन बन गई भी मैथ की आपकी, t तो t कितना आ गया आपका 10/24 सेकेंड आपका, ठीक है, तो इसको हम अगर और सॉल्व कर ले अच्छे से तो 0.440, सो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका समय आ गया, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है तो एज पर दिस इक्वेशन एक्सेलरेशन कब जीरो होगी, इतने समय पे आकर के, सो इतने समय पे आकर के आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है बेटा, तो भाई बहुत से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में सिंपल डेरिवेटिव को लेके, तो अभी ये सिंपल न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, अभी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है फॉर इन द नेक्स्ट क्लास, तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे हमारे,
तीनों इक्वेशंस ऑफ बेस मोशन के बेस पे, ठीक है। पावर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। ओके, टिल देन गुड लक, थैंक यू।